लोकतंत्र आगे जाकर खतरे में खड़ा हो जाएगा, ये हम सबको सोचने की आवश्यकता है। यदि संसदीय लोकतंत्र कमजोर होता है तो संसदीय लोकतंत्र के मानदेय हम कितनी अपेक्षा करें, उन अपेक्षाओं को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं समझा कि क्योंकि आपको अनुभव है एक मुख्यमंत्री के रूप में कि मुख्यमंत्री के रूप में किस तरह से जन आकांक्षाओं को पूरा कर सकें, एक सेंट्रल मिनिस्टर के रूप में आप कैसी अपेक्षा कर सकते हैं, ये आपके मन में कल्पना है। और हम सब जो बैठे हुए हैं हमारे मन में कल्पना है कि राजस्थान में यदि हमें मौका मिले सरकार बनाने का, विपक्ष में करने का, तो सरकार में नीतियां बनाकर जन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम कैसे कर सकें, और जो हमारे जो पंचायत के जो साथी हैं उनके साथ बैठकर उस गाँव के विकास की कल्पना क्या कर सकें। अब जन अपेक्षा क्या है, पंचायत के आदमी की अपेक्षा क्या है, आज रेवेन्यू के रिकॉर्ड के अंतर्गत बिना नाम जमीन पर चरनोट के आदमी बैठा हुआ है, उस आदमी की अपेक्षा है कि मुझे पट्टा मिल जाए। आज जैसे पंचायत के सरपंच की अपेक्षा क्या है कि उसकी अपेक्षा है कि उसके गांव में फेयर रोड बन जाए, पंचायत की अपेक्षा क्या है नाली बन जाए, सफाई का काम हो जाए, ये काम पंचायत के आदमी की अपेक्षा है। यदि इस अपेक्षा को हम आप पूरा करने के लिए हम एमएलए के ऊपर जिम्मेदारी का निर्माण करेंगे तो वो एमएलए अपना काम नहीं कर सकेगा और संसदीय लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि एक मंत्री के रूप में यदि सरकार का मंत्री काम करे प्रदेश में, एक मंत्री के रूप में भारत सरकार का मंत्री काम करे, और जन अपेक्षा ये है कि हमें ये सड़क बनानी है, पुल बनाना, ये काम करना है, तो उसको कैसे कर पाएंगे, ये हम संसदीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए मैंने समझा कि माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब को बुलाएं, माननीय गडकरी साहब को बुलाएं, ये प्रश्न उनके सामने रखें कि क्या संसदीय लोकतंत्र में जन अपेक्षाओं को पूरा काम कर सकते हैं। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक दो तीन बात और माननीय आजाद साहब आपसे कहना चाहता हूं। संसदीय लोकतंत्र हमने क्यों अपनाया, संसदीय लोकतंत्र हमने इसने बनाया कि इस देश में विविधता है, इस देश में उत्तर से लगाकर दक्षिण से लगाकर पूर्व लगाकर पश्चिम तक, मैं भी मणिपुर का इंचार्ज था, मेघालय का इंचार्ज था, मैंने देखा कि मणिपुर और मेघालय किस तरह से देश में इंटीग्रेटेड है। वहाँ के भी दो सांसद आते हैं, यूपी के भी सांसद आते हैं, महाराष्ट्र के भी सांसद आते हैं, तमिलनाडु के सांसद आते हैं। यदि संसदीय लोकतंत्र नहीं होता, राष्ट्रपति शासन तरीका होता, तो देश में इंटीग्रेशन को हम ठीक ढंग से नहीं कर सकते थे। देश की इंटीग्रेशन के लिए संसदीय लोकतंत्र अपेक्षित है, इस बारे में कोई तकलीफ नहीं है। पर संसदीय लोकतंत्र के अंदर जो प्रश्न खड़े हुए उनको भी समझने की आवश्यकता, क्या हम भूल जाते हैं आज़ादी के बाद संसदीय लोकतंत्र में जन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम हम सब कर सकते हैं जो पक्ष और विपक्ष में। फिर क्या कारण थे इस देश के अंदर आंदोलन खड़े हुए, किस कारण से जेपी का आंदोलन खड़ा हुआ, किस कारण अन्ना हजारे का आंदोलन खड़ा हुआ, किस कारण आज किसान का आंदोलन खड़ा हुआ है। यदि ये जन अपेक्षा है विधानसभा और लोकसभा के माध्यम से हम जन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, तब भी संसदीय लोकतंत्र के सामने प्रश्न खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं समझा कि हम सब बैठकर इन बातों पर चर्चा करें, क्योंकि देश के हित में हम सबकी अपेक्षा है कि लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, संसदीय लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, साथ साथ में जन अपेक्षाओं को भी पूरा करने का उत्तरदायित्व हम पर निर्भर करता है। इसलिए मैंने कुछ बिंदु मैं आपके सामने रखूंगा, कुछ आपके अनुभव हैं और आपके अनुभव के आधार पर हम कुछ सीखेंगे, समझेंगे और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। इसी सब भावना से हम लगातार सेमिनार कर रहे हैं और मुझे बहुत कहते हुए प्रसन्नता है कि राजस्थान के हमारे जितने भी साथी हैं पक्ष विपक्ष के, हम सब इस बात के लिए अपने आप को कमिटेड मानते हैं कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करें और हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम करें। अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, आज सबसे बड़ी जो चुनौती है वो चुनौती शिक्षा के क्षेत्र में। इस महामारी के बाद 18 महीने तक स्कूल बंद है, गाँव का बच्चा पढ़ने के लिए डिप्राइव्ड है, स्मार्टफोन से पढ़ाई नहीं हो पा रही, ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं हो पा रही। हमने देखा कैसे आंकड़े कि गांव का बच्चा यदि इस तरह से होगा तो अब स्कूल जब खुलने के बाद एक सातवीं क्लास का बच्चा बैठेगा, आठवीं क्लास का बच्चा बैठेगा, उसमें कुछ बच्चों को तो ऑनलाइन की जानकारी होगी, कुछ बच्चों को ऑनलाइन की जानकारी भी नहीं होगी। अध्यापक को हमने ट्रेन नहीं किया कि आपकी क्लास में इस तरह के अलग अलग बच्चे बैठे हुए हैं तो उनको पढ़ाने का काम कैसे करेंगे। यदि आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में हमने ये जो चुनौती खड़ी है उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए आप और हम सब मिलकर यदि हम नीति बनाने का काम नहीं करेंगे तो हम अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकेंगे। इस महामारी के बाद नए सिरे से योद्धा की अपेक्षा बढ़ गई है, चाहे हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन के सेक्टर में हो, ये नए सिरे बढ़ गई है। और वो सब चीज़ें जन आकांक्षा पूरी तब हो सकती है जब वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो। वित्तीय संसाधन उपलब्ध के लिए आप हमारे आजाद साहब आप जानते हैं GST हमने लागू कर दी। GST लागू करने के बाद जितना स्टेट को डिवोल्यूशन होना चाहिए, डिवोल्यूशन होने की तकलीफ आ रही है। एक और क्लास जा दिया सेस लागू करने का, सेस लागू करने का पूरा भारत सरकार के पास जाता है, उस सेस का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के डिविजन पूल में नहीं आता है। जब राज्य सरकारों के पास संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो जन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हम कितनी तेज गति से काम करने का काम करें वो काम करने के लिए कठिनाई आएगी। इसलिए मैं समझता हूं कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करें, जन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम करें, और आप जैसे लोगों के अनुभवों का लाभ लेकर हम समझते हैं कि हमारे राजस्थान विधानसभा के पक्ष और विपक्ष जाती हैं वो अपने भूमिका का निर्माण करेंगे प्रभावशाली ढंग से, जन अपेक्षाओं को पूरा करेगा। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आज हमने आपको आमंत्रित किया है।
अब मुझे प्रसन्नता है कि गुलाम नबी आजाद साहब का दूसरा बैकग्राउंड भी आपको मालूम नहीं। एक स्टूडेंट के रूप में गांधी स्मृति कन्वीनर के रूप में इन्होंने 400 500 600 मीटिंगें करवाई जम्मू कश्मीर में। गांधी दर्शन के प्रति अपने आप को कमिटमेंट है, गांधी आइडियोलॉजी के प्रति कमिटेड है, सर्वोदय के प्रति कमिटेड। बहुत बिरले ही आदमी होते हैं जिनके मन में ये कल्पना है कि गांधी के आदर्शों को हम किस तरह से लोगों के बीच में प्रोपेगेट करें। जम्मू कश्मीर में एक छात्र नेता के रूप में उन्होंने बड़े पैमाने पर इस तरह का काम किया है। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर गांधी दर्शन से आप प्रभावित हैं, सर्वोदय से आप प्रभावित हैं, मंत्री आप रहे हैं, इंदिरा जी के साथ काम किया, राजीव जी के साथ किया, मोदी जी के साथ काम किया, आपके अनुभवों का लाभ लेकर हम निश्चित तौर पर इस सेमिनार में एंडिस होंगे। इस भावना से मैं आपका स्वागत करता हूं। एक बार मैं आप पुनः सभी साथियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। कम समय के नोटिस के बाद भी आप आए, ऐसे व्यक्तिगत तौर पर मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप समय निकाल कर आ चुके। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। और श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब हमारे बीच हैं। इस विधानसभा में सर्वाधिक अनुभवी सदस्य हैं। आप 8वीं बार राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। सुदीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री कटारिया जी का संसदीय जीवन सभी जनप्रतिनिधियों के लिए अनुकरणीय है। दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री कटारिया जी ने राज्य के अनेक विभागों में मंत्री के रूप में श्रेष्ठतम कार्य किया है। आप वर्तमान में राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे उद्बोधन के लिए श्री गुलाब चंद जी कटारिया। राजस्थान विधानसभा का ये सौभाग्य है कि वर्तमान अध्यक्ष महोदय के आने के बाद सीपीए क्या होती है और क्या काम करती है। हमने 40 साल की राजनीति में विधायक कितनी बार रह गए। सीपीए बनती तो ज़रूर है पर सीपीए काम क्या करती है, ये पहली बार अगर किसी ने सदन के माननीय सदस्यों को एहसास कराया वो हमारे स्पीकर साहब को, इनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं हर मीटिंग। और उसके साथ ही एक अच्छी परिपाटी आदरणीय कितनों देश की व्यवस्था के बारे में उनको समझा सकते हैं ताकि उनका निर्णय देश हित में कैसे हो इस बारे में प्रेरित करने का प्रयास है। संसदीय लोकतंत्र में हमारे देश की जैसा स्ट्रक्चर है, अभी स्पीकर साहब ने कहा हम कई भाषाओं में विभक्त हैं, कई प्रांत हैं, कई हमारे रहन सहन हैं, कई ऐसी विविधता में भी इस देश को जोड़े रखने के लिए यह हिंदुस्तान के लिए एक आवश्यक प्रणाली थी जिसको हमारे वरिष्ठ लोगों ने हमको दी है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम तर्क वितर्क करके जनता का हित करना चाहते हैं या अपना अपना हित करना चाहते हैं। मेरी गुलाम नबी आज़ाद साहब आपसे प्रार्थना है, इसमें मैं आपका हृदय से मेरी पार्टी की तरफ से सीपीए का उपाध्यक्ष होने के नाते राजस्थान की 7 करोड़ की जनता की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोगों का गोल एक ही है, वो है देश। और देश की तरक्की के लिए, देश के खुशहाली के लिए इस लोकतांत्रिक प्रणाली से हम कैसे हम अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करते उस जनता के हित के लिए काम करें। मैं सोचता हूं कि जो कुछ भी इस देश में अब तक, ये देश भाग्यशाली है 130 करोड़ का देश होते हुए भी 15 और 17 चुनाव हो जाने के बाद भी कोई चुनाव के नाम पर हिंसा नहीं होना,
ये लोकतंत्र की सबसे मजबूती का निशान जो इस देश की जनता ने आपको और मुझे दिया है। लेकिन हम चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, उस जनता को इस लोकतंत्र के सही स्वरूप को समझाने का प्रयत्न करना भी हमारा दायित्व है। मैं सोचता हूँ उस दायित्व निभाने के लिए आज हमसे कई जनता उम्मीद करती है। मैं सोचता हूँ कि जो सत्तारूढ़ दल है वो अपने कामों के द्वारा जनता का हित करती है। हम लोग विपक्ष में रह करके जनता की उन समस्याओं को लाने का प्रयास करते हैं जिनकी जनता मदद की उम्मीद करती है। मैं कई बार इस विधानसभा में सोचता हूँ कि हम पक्ष और विपक्ष हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ कोई विषय चाहे विपक्ष के द्वारा भी उठाया गया है और जनता के हित के लिए उठाया गया है और उसे जनता का हित होने वाला है तो हमें अपना दिमाग खोल करके उस के बाद भी एक मत से सरकार जाने के बाद भी कोई हिंसक घटनाएं नहीं हुई। सिंहासन को पकड़ने के लिए किसी ने भी कोई गलत फाउल खेलने का प्रयास नहीं किया। ऐसे लोकतंत्र को हम आज आपके अनुभव से, क्योंकि आप मुख्यमंत्री से लेकर प्रतिपक्ष के नेता से लेकर मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में आपका एक लंबा अनुभव है और मैं सोचता हूँ स्पीकर साहब ने शायद इसी बात को सोच करके आप दोनों महानुभावों को आज बुलाया है कि आखिर जनता हमसे इस लोकतंत्र के माध्यम से, हम जनप्रतिनिधियों से उम्मीद क्या करती है, हम उस उम्मीद पर कहाँ तक खरे उतर रहे हैं और नहीं उतरते हैं तो खरे उतरने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए जिससे वास्तव में हम जनता की उम्मीद को पूरा कर सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका स्वागत करता हूँ, स्पीकर साहब का स्वागत विशेष रूप से करता हूँ, क्योंकि मेयर को भी इतनी बार रहने का, लेकिन CPA को बनाई जरूर एक दिन या वोट दे करके, लेकिन उसके बाद CPA क्या करती है इसके बारे में जानकारी हमको अगले चुनाव में वापस मिलती है। तो मैं संयम जी का भी, जो हमारे इसके सेक्रेटरी हैं, उनका स्वागत करता हूँ। आप सब पधारे हुए जनप्रतिनिधि, अभी विधायक हैं वो, पूर्व विधायक भी इसमें बहुत उपस्थित हैं, उन सब का भी मैं आपका स्वागत करता हूँ और आप सब की तरफ से श्री गुलाम नबी जी आज़ाद आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हम सबको अंतिम गोल देश बनाना है, देश को तरक्की देना है। देश के उस गरीब बूढ़ जचरे में बिखरा हुआ व्यक्ति है जो अभाव में जी रहा है, उसके जीवन को बेहतर बनाने का तरीका इस लोकतंत्र के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सचमुच देश सर्वोपरि है। जनमानस में एक अत्यंत सक्रिय और जुझारू राजनेता के रूप में आपकी छवि रही है और हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं श्री गुलाम नबी आज़ाद जी। आप सन 2005 से 2008 तक जम्मू और कश्मीर के 7वें मुख्यमंत्री रहे। आप भारत सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी रहे। राज्यसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM का विस्तार किया, जिससे देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन 5,00,000 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को गतिशील किया। बाद में आपके मंत्रालय ने शहरी, ग्रामीण और तंग बस्तियों के स्वास्थ्य के लिए अर्बन हेल्थ मिशन भी आरम्भ किया। सरकार में रहते हुए मजबूत योजनाएं लाने और उनको मजबूती से लागू करने तथा विपक्ष में रहते हुए विपक्ष की आवाज़ को बुलंद करते हुए, सरकार की खामियों को उजागर करते हुए भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में श्री गुलाम नबी आज़ाद जी की महत्वपूर्ण